दोस्तों, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल हमारे सामने है। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज रॉन्ग अबाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। हम देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट है कि ही वॉज दी चेयरपर्सन और चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमीशन। ये तो बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर। ये बात तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन सी, लिखा है कि ही वॉज लॉ मिनिस्टर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, कि जब इंडिया को आजादी मिल गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947। हम देखते हैं कि जो इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर बने थे वो हमारे बी आर अम्बेडकर जी थे। ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, दैट इज ऑल्सो ट्रू, है ना। उन्होंने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई थी जिसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कहा जाता है। दिए गए स्टेटमेंट में से ऑप्शन बी जो है दोस्तों, हम देखते हैं कि वो गलत है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि ही वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र। नो, ही वॉज बॉर्न इन मऊ, है ना। आप देखते हैं कि मऊ करके एक एरिया है जो आज के टाइम पर हमें मध्य प्रदेश एमपी में देखने को मिलता है। सो ही वॉज बॉर्न इन मध्य प्रदेश, नॉट इन महाराष्ट्र, है ना। तो ऑप्शन बी ये गलत स्टेटमेंट थी और हमें इसी को ढूंढना था। ऑप्शन बी हम देखते हैं कि हमारा बिल्कुल सही आंसर बनता है।